कस्टर्ड फ्लेवर है और यहाँ काफ़ी फेमस है। मैं स्नैक मिल गया यहाँ पे और ये दो में पैकेट भी दे दिए, लोग इतने स्वीट हैं। बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे वापस टोक्यो, अ स्पेशल प्लेस नियर बाय एंड देन बैक होम, दैट इज दिल्ली इंडिया। वन टू थ्री। क्योटो से ओवरनाइट बस लेके हम टोक्यो पहुंचे एकदम सुबह सुबह एंड इनफैक्ट सनराइज भी हमारी आंखों के सामने ही हुआ। ये बस हमने कहां से ली और इसके क्या चार्जेस है, ये दूसरी वीडियो में है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आ गए टोक्यो स्टेशन। हमारी बस सुबह सुबह शार्प आ गई है ऑन टाइम। अभी हम यहाँ पे जाके थोड़ी चीज़ें जो हमें लेनी है वो देखेंगे। सो अब हमने टिकट्स करा ली है माउंट फूजी देखने के लिए और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अभी हम ये खा रहे हैं जो हमने स्नैक लिया था क्योटो से, जापानी स्वीट। मोची है, उसके ऊपर कुछ सिरप है जो हल्का स्वीट है, ब्राउन शुगर का हुआ है। यहाँ पे पॉपुलर ये है, फैमिलियर सा टेस्ट आ रहा है, सही हो रहा है, मार्शमेलो टाइप है, फ्लफी फ्लफी सा। टोक्यो स्टेशन के यासू साउथ एग्जिट पे आपको मिलेगा JR बस स्टेशन, जहां से आप खरीद सकते हैं माउंट फूजी की बस टिकट। ये जाती है कावागुचीको स्टेशन तक और इसका प्राइस है 4,120 yen, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2,300 rupees। हमने ये बस नेक्स्ट डे के लिए बुक कराई थी एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एडवांस में टिकट बुक करें बिकॉज सीट्स गेट फुल। We also took 24 hours का मेट्रो पास फ्रॉम द टोक्यो स्टेशन जो 800 येन का है, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 447 इंडियन रुपीस। एंड इसी मेट्रो पास को यूज करते हुए हम पहुंचे डायमंड स्टेशन, जिसके पास में ही था हमारा होटल। हम होटल में दो दिन रहे थे और इसका किराया था 32,076 yen। तो हम अभी अपने होटल पहुंच चुके हैं लेकिन चेक इन अभी नहीं है क्योंकि वो 3 बजे के बाद है। सो अब यहाँ पे आसपास के एरिया ही घूम रहे थे। हमारा होटल अगेन टोक्यो टावर के पास ही है, तो ये प्रिंस गार्डन, ये प्रिंस पार्क है, प्रिंस शिबा पार्क, प्रिंस शिबा पार्क हम आए हैं और उसके बाद हम टोक्यो टावर का एक अच्छा सा व्यू लेंगे। नीचे से आप देख सकते हैं टोक्यो टावर। शिबा पार्क एक पब्लिक पार्क है जो बना है अराउंड द टेम्पल ऑफ जोजोजी। यहाँ पे आपको काफी अच्छा व्यू दिखेगा टोक्यो टावर का, सो इट्स द बेस्ट प्लेस टू गेट अमेजिंग पिक्चर्स विद द टावर। ये एक पॉपुलर स्पॉट है फॉर डेट्स एंड इट हैज अपीयर्ड इन मेनी टेलीविजन एंड फिल्म सीक्वेंसेस। After this, we went straight back to Family Mart, जो हमारे होटल के पास में ही था, and we ordered something to eat because हमें काफी भूख लगी थी। ये सारा खाना हमें पड़ा 910 येन का, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 506 इंडियन रुपीज। ये काफी फिलिंग था और हमने आराम से होटल लॉबी में बैठ के इसे खाया। So, अब हम होटल से बाहर निकले, हमारा चेक इन नहीं हुआ, ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लाइक एवरीवेयर इफ इट सेज 3 PM इज द चेक इन, देन 3 PM इज द चेक इन। तो हमने मेट्रो कार्ड ले लिया था टोक्यो स्टेशन से ही, जो हमारा 24 आवर का पास है, तो हम उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, आज कोशिश करेंगे। तो अब हम शिबुया आए थे, चलिए अपने फेमस हचिकू से मिल के आते हैं। शिबुया स्टेशन की शिबुचिका एग्जिट पे आपको मिलेगी द फेमस स्टैचू ऑफ हचिको द अकीता डॉग। ये एक फेमस अनऑफिशियल जापान का लैंडमार्क है एंड ये ट्रिब्यूट देता है उस फेथफुल अकीता डॉग को, जिसने वेट किया शिबुया स्टेशन पे एवरी डे फॉर हिज मास्टर इवन आफ्टर हिज डेथ। आज की डेट में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीटिंग प्लेसेस है इन टोक्यो। यू विल सी लार्ज गैदरिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू टू गेट अ सेल्फी विद द हचिको हिमसेल्फ।
फ्रॉम वन फेमस प्लेस टू अनदर. अब बारी थी शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग की. बेसिकली एक पेडेस्ट्रियन स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है जो हचीको एग्जिट पे ही लोकेटेड है एंड यहाँ पे आपको एक टाइम पे 3000 पेडेस्ट्रियंस मिलेंगे जो सड़क क्रॉस करते हैं एज सून एज द रेड लाइट हिट्स. इज सो मच फन क्रॉसिंग इट एंड वी ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स एंड इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स इन द वर्ल्ड. इस क्रॉसिंग का बर्ड्स आई व्यू आप देख सकते हैं शिबुया स्काई से जो एक ऑब्जर्वेशन डेक है, पर उसका एंट्री टिकट है अराउंड 1200 टू 1300 रुपीस का. अगर आपको फ्री में देखना है तो ऑप्शंस आर दिस लॉक्सिटाइन स्टोर, द स्टारबक्स स्टोर विच इज द मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, बट द बेस्ट एंड द चीपेस्ट इज द मेट्रो स्टेशन ऑफ शिबुया, जहाँ पे ऊपर जाके आप देख सकते हैं एक अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द शिबुया क्रॉसिंग. शिबुया मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है शिबुया मार्क सिटी जो एक मॉल है और यहाँ पे काफी स्टोर्स है प्लस दे हैव गुड कैफेज एज वेल. हमने इसे थोड़ा एक्सप्लोर किया और हमें कुछ फ्री सैंपल भी मिले. तो हमने स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद बहुत प्यासी लग रही थी तो हमने कुछ कॉफी ट्राई करी है. हाँ, यहाँ पे इनकी लोकल ब्रांच ही लग रही है, एक्सेलसियर कैफे था तो हमने वो ट्राई किया. और हमने दो चीज़ें ट्राई करी, एक था कैरमल आलमंड लाटे और दूसरा था होचीजो लाटे विच इज रोस्टेड ग्रीन टी लाटे. और दोनों बहुत अच्छे होते, बहुत ही माइल्ड था, शुगर था, बहुत शुगरी भी नहीं थे तो बहुत ही इसका साइज ही बहुत अच्छा था क्वान्टिटी वाइज. हाँ, और इतना कॉस्टली नहीं था, हमारा बिल आया 1070 है विच इज अराउंड 500 रुपीज़. और यहाँ पे क्रेमिया आइसक्रीम भी मिलती है अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत ही अमेजिंग होती है. हैवी ट्रैफिक प्लस जो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आप यहाँ पे देखेंगे इन दीज क्रेजी बिलबोर्ड्स, उसकी वजह से शिबुया को कंपेयर किया जाता है विद टाइम्स स्क्वायर इन न्यूयॉर्क. इस गली में आपको काफी सारी शॉप्स के बाहर सॉल्ट रखा हुआ दिखेगा बिकॉज माना जाता है कि इम्प्योरिटीज और इविल स्पिरिट को दूर भगाता है और इनवाइट करता है गुड फॉर्च्यून. अभी हम घूम रहे हैं एक हिल में जिसका नाम है लव होटल हिल. हाँ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लव होटल्स का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है जापान में, तो हम देखते हैं कुछ स्पॉट करते हैं लव होटल्स वहाँ पे. नेवरलैंड टोक्यो इनिशियली हमको लगा था लव होटल है बट आफ्टर सर्चिंग ऑनलाइन वी फाउंड आउट ये इनफैक्ट एक काफी पॉपुलर नाइट क्लब है इन टोक्यो. सो इफ यू वांट टू पार्टी देन यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस प्लेस. अभी हम वापस जा रहे थे होटल. यस, सो फाइनली हम चेक इन करेंगे, देखेंगे होटल रूम कैसा है और फिर रात को हम बाहर निकलेंगे शिंजुकू के लिए. अपने मेट्रो पास का फुल यूज करते हुए हम पहुंचे डायमंड स्टेशन जो हमारे होटल के पास था एंड फाइनली वी गॉट टू चेक इन. हमारे रूम से दिख रहा था अमेजिंग व्यू ऑफ टोक्यो टावर जिसको हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, फ्रेशन अप हुए, रेस्ट किया एंड देन टुवर्ड्स द इवनिंग वी डिसाइडेड टू वेंचर आउट. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम तैयार हो गए हैं टू गो टू द नाइट मार्केट ऑफ टोक्यो जो है शिबुया एंड शिंजुकू. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. तो हम अभी आ गए शिबुया स्टेशन पर, वहाँ से हमें बस 812 एग्जिट ले रहा था हचीको गेट्स का और हम सीधे मॉल के अंदर हैं. हमें जाना है वन पीस कैरेक्टर स्टोर है कोई जहाँ पे आपको सारे एनिमे की चीज़ें मिलेंगी तो वो दिखाते हैं आपको. इस मॉल का नाम एक्चुअली मैग्नेट बाय शिबुया 109 है और यहाँ पे वन पीस जो एक फेमस एनिमे है उसका स्पेशल शोकेस था.
इट्स अ फन प्लेस जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमे स्टोर्स और कैरेक्टर स्टोर्स मिलेंगे एंड इट इज परफेक्ट फॉर बाइंग गिफ्ट्स फॉर पीपल बैक होम जिनको जापान की इस कल्चर का बहुत शौक है। यहाँ पे आपको स्पेशल एनिमे क्लोथिंग शॉप भी मिलेगी जिसमें बहुत ही अमेजिंग चीजें मिल रही थी, दो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इस मॉल में एक रूफटॉप भी है जिसका नाम है मैक्स पार्क और वहां से आपको दिख सकता है बर्ड आई व्यू ऑफ द शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, बट उसका एक एंट्री फी है। मॉल एक्सप्लोर करने के बाद फॉर वन लास्ट टाइम हम वापस गए शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग में टू सी दिस प्लेस इन इट्स फुल ग्लोरी नाइट टाइम में जब सारे होर्डिंग्स और भी अमेजिंग लगते हैं एंड देयर इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट वाइब टू दिस प्लेस। नाइट टाइम में भी हचिको जो था वो फुल ग्लोरी में चमचमा रहा था। एक और फैक्ट इसके बारे में ये है कि 10 साल तक हचिको ने शिबुया स्टेशन में अपने मास्टर का वेट किया हु डाइड एंड कुडंट से द फाइनल फेयरवेल टू द डॉग एंड ही केप्ट ऑन वेटिंग एज पर देयर नॉर्मल स्केड्यूल फॉर हिम एट द स्टेशन। आपको यहाँ पे हचिको के होर्डिंग्स भी दिखेंगे। एक लास्ट टाइम बार स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद हम गए मेट्रो स्टेशन टू गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉप। सो अभी हम आ गए हैं शिंजुकू स्टेशन और यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। काफी वाइब्रेंट सा लग रहा है, पूरे बड़े बड़े होर्डिंग्स चमचमा रहे हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। शिंजुकू स्टेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड यहाँ पर ओवर 200 एग्जिट्स हैं, बट आपको तीन ही याद रखने हैं, साउथ एग्जिट, सेंट्रल वेस्ट एग्जिट एंड सेंट्रल ईस्ट एग्जिट। हम लोग निकले थे सेंट्रल ईस्ट एग्जिट से जहाँ पे आपको मिलेगा शिंजुकू सेंकोम जिसमें है काबुकिचो एंड गोल्डन गाय। अभी हम है काबुकिचो में जो की फेमस और इनफेमस नेबरहुड है शिंजुकू का। ये जापान का लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होस्टल्स बार्स दिखेंगे और लव होटल्स भी मिलेंगे। पर यहाँ पे और भी अट्रैक्शंस है लाइक द गॉडज़िला हेड जो एक बिल्डिंग के ऊपर से दिखता है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। काबुकिचो को स्लीपलेस टाउन भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है जो 24 आवर्स खुली रहती है एंड इन जनरल द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज रियली वाइब्रेंट एंड इट सेट्स अ पार्टी मूड। शिंजुकू में नियर काबुकिचो एंड नेक्स्ट टू द शिंजुकू स्टेशन इज द फेमस 3D कैट बिलबोर्ड जो क्रॉस शिंजुकू बिजोन बिल्डिंग में है। सो व्हेन यू आर हियर डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट क्योंकि ये काफी क्यूट है। एरिया में जहाँ पे डायनासोर नहीं गॉडज़िला हेड है और वो पीछे उस होटल ग्रेजिया या कोई होटल है उसके ऊपर है, तो आपको क्लोजली दिखा देते हैं। आप इस होटल के रूफ टॉप पे भी जा सकते हैं टू सी इट क्लोजली, बट वी वर हैप्पी टू सी इट फ्रॉम दिस डिस्टेंस।
सो ये पूरा एरिया जो है वाइब्रेंट सा है यहाँ पे. एक हमने आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दिखा दी और बाकी क्या नहीं है यहाँ पे. बाकी यहाँ पे काफ़ी बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो. तो बिल्कुल फुल क्राउडेड है यहाँ पे. हाँ, उसे गोल्डन गाय जो इनकी जो बार वाला लेन है उसको बोलते हैं. और उद्योमी युकुचे इसका खाने वाला एरिया है. बट दो ये थोड़ा सा टूरिस्ट ट्रैप टाइप भी है. हाँ, मुझे शिबुया ज़्यादा अच्छा लगा. सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हियर हम मेट्रो स्टेशन गए एंड वी वर रेडी टू गो बैक टू आवर बेस. अभी हम अपने एरिया में ही हैं डायमंड स्टेशन के पास और हमें ये रेस्टोरेंट दिखाया है जो एकदम स्मार्ट एक्सचेंज के साथ में है, जहाँ पहले करेंसी एक्सचेंज करा सक चुके हैं. और सिमोन रेस्टोरेंट जो कि थायर इंडियन रेस्टोरेंट है उसके अपोजिट है. तो हम ये ट्राई करेंगे. Sadly, ये रेस्टोरेंट बस बंद ही होने वाला था. सो वी डिसाइडेड टू गो टू सिमोन एंड से हाई. बट अल्टीमेटली वी डिसाइडेड टू गो टू 7-Eleven एंड फैमिली मार्ट. और हमने ये सब कुछ लिया रात को खाने के लिए. इसका बिल आया 1788 yen, जो होते हैं अराउंड 990 rupees. तो अभी हम निकल गए हैं, 7:30 हो रहे हैं. हम जा रहे हैं माउंट फूजी देखने के लिए. और कावागुची को एक जगह है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है. सो वी आर मेकिंग द लास्ट ट्रिप फ्रॉम आर 24 hours टोक्यो पास. और ये हमने कल ही इस बस का टिकट ले लिया था जो कि 2 घंटे की जर्नी है फ्रॉम टोक्यो स्टेशन. सो लेट्स गो. हम ब्रेकफास्ट करने गए मैकडोनल्ड्स में एंड वी हैड 2 chicken burgers एंड सम वेरी ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी, क्योंकि हमने रियलाइज नहीं किया था ऑर्डर करते वक्त कि क्या उसका प्राइस है. हाउएवर द फूड वाज गुड एंड फिलिंग. पूरे कॉफी और ये बर्गर. बिकॉज हम काफ़ी जल्दी स्टेशन पहुंच गए थे, वी डिसाइडेड टू रिलैक्स इन दिस एरिया विद इन टोक्यो स्टेशन जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी थे. बस वॉज एग्जैक्टली ऑन टाइम एंड पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था. जो लोग ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं उनके लिए बैगेज रखने के लिए बस में जगह थी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी, लेग रूम भी अच्छा था एंड दे ऑल्सो हैड फूड ट्रेज एंड कप होल्डर्स इन केस यू वॉन्ट टू ईट समथिंग वाइल यू इन्जॉय द ब्यूटिफुल सीनरी जो आपको पूरे रास्ते दिखेगी. जैसे ही आप कावागुचिगु की तरफ पहुंचने लगेंगे आपको माउंट फूजी रास्ते में ही दिखने लगेगा. हो सकता है उसमें क्लाउड्स हो, आप चेक कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट पहले से. हाउएवर वी हैड लिमिटेड टाइम एंड हमारे पास आज के दिन का ही ऑप्शन था, सो वी हैड टू गो. देर आर ऑल्सो ग्रेट होटल्स लाइक दिस वन वेयर यू कैन स्टे एंड आप इंजॉय कर सकते हैं इस जगह को कुछ और दिनों तक. तो अभी हम आ गए हैं अपने स्टेशन यहाँ माउंट फूजी पे. कावागुचिगु स्टेशन है ये और बहुत ही सुंदर लग रहा है. यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी हो रहा है. अब हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाके फिगर आउट करेंगे बिकॉज यहाँ से कोई साइट सीइंग बस या क्रूज या केबल कार तो लेनी पड़ेगी आपको देखने के लिए. यहाँ पे मेनली आपके पास 3 तरीके हैं एक्सप्लोर करने के लिए. एक है आप बस का डे पास ले लीजिए एंड यू कैन गो टू ऑल फेमस प्लेसेस जहाँ से माउंट फूजी का बढ़िया व्यू दिखता है. सेकंड, रेंट अ साइकिल एंड एक्सप्लोर. एंड थर्ड, आप चाहिए फेमस स्पॉट जो है चिरेतु पगोड़ा जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल माउंट फूजी का व्यू दिखता है. सिंस वी हैड लिमिटेड टाइम वी डिसाइडेड टू गो टू द पगोड़ा और इस मशीन से हमने अपना टिकट ले लिया. 2 seats, 620. Thomas Station.
यहाँ पे बहुत ही क्यूट थीम बेस्ड ट्रेन भी चलती है, जैसे ये है नारुतो ट्रेन, और यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है जो है ये वाली, जिसमें सीट रिजर्वेशन के थोड़े एडिशनल चार्जेस होते हैं। सो हमने अभी टिकट ले ली है पगोड़ा के लिए, ये लोकल ट्रेन का टिकट है, 6:20 रिटर्न। यहाँ से पगोड़ा के पीछे माउंट फूजी दिखता है, तो देखते हैं दिखता है या नहीं। कितनी स्लो आ रही है भाई, अच्छा हो जाता है मेरा। इट वॉज अ स्टैंडर्ड ट्रेन जो हमारे यहाँ की मेट्रो जैसी लग रही थी, एंड हमारा स्टेशन था नंबर 5। तो ये रास्ता बहुत ही सीनिक है, आप पीछे भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और स्टेशन से ही ना नीचे फुटमार्क में पार्क में बने होंगे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स टुवर्ड्स पगोड़ा, सो आपको इजीली किसी से डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं आगे। तो अभी हमने रास्ते में इन्फॉर्मेशन से कुछ डायरेक्शंस लिए, हाँ उन्होंने हमसे पूछा हम कहाँ से, हमें कॉम्प्लीमेंट भी किया और हमें दो पोस्ट कार्ड्स भी दिए, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो बताया ही। तो हम उसकी तरफ जाते हैं। सो ये बेसिकली ऐसा रास्ता है, पूरा स्लोप है, और आते वक्त दूसरी डायरेक्शन से स्टेयरकेस है। तो हमने यहाँ कुछ नया चीज़ लोगों को दिखाई है, उल्टा चलना स्लोप पे। उल्टे चलने से कम स्ट्रेस पड़ रहा है इस पर, ये हमने श्रीलंका में सीखा था जब हम बहुत चढ़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। चलते हैं अभी ऊपर जाएंगे। तो आ गए हम ये पगोड़ा में, काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए इतनी उम्मीदों के साथ, लेकिन माउंट फूजी जो है दिख रहा है, लेकिन उसका टिप जो ग्लेशियर वाला जो फेमस है जिसमें स्नो होती है वो नहीं दिख रहा। हाँ काफ़ी क्लाउडी है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। यस वेरी नाइस व्यू, अभी आपको दिखाते हैं। ये है चुरेटू पगोड़ा जिसके पीछे है माउंट फूजी, हाउएवर वो अभी क्लाउड से कवर्ड है। विंटर्स में जब ये स्नो कैप्ड होता है तो ये ऐसा दिखता है जैसा पोस्ट कार्ड में है। हम मिड सितंबर गए थे तो ये स्नो कवर्ड तो नहीं होता, फिर भी अगर पूरा व्यू दिखता तो इट वुड हैव बीन अमेजिंग। इवन विदाउट द एंटायर माउंट फूजी व्यू, ये काफी सुंदर जगह थी, हमने काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करी एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो क्यों आ गया, जल्दी जा, थोड़ा दूर तक जा क्योंकि गिर बच जाना। कितना सुंदर है, हंसी वादिया भैया। टोक्यो सिर्फ टोक्यो कह रही हूँ, जापान सिर्फ यही नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खूब सारा जो होता है शोर शराबा, होर्डिंग्स, 3D होर्डिंग्स एंड ऑल, जापान ये भी है सुंदर, सरीन एंड कम्प्लीटली लाइक ब्रेथ टेकिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा नहीं था, बट ऑफकोर्स जो हम जिस ट्रेन से आए उसका टाइम टेबल लिखा हुआ था, और अभी हम मतलब लेट तो नहीं हुए, पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाफ एन आवर के बाद आ रही है जो चीज़ है। हमारी वापस टोक्यो की बस जो है वो 5:30 है, तो अभी 4:30 पे आएगी मोस्टली, तो हमें 20 मिनट में या आधा घंटा में मैच लगा लो तो पहुँच जाना चाहिए। तो लेट्स वी आर वेटिंग फॉर इट। आप यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन में जाना चाहते हो तो आपको 200 रुपये का और टिकट लेना पड़ेगा। हाँ 200 yen का, बट वी थॉट की वेट ही करते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, एंड जब हम अपने स्टेशन पहुंचने वाले थे तो ये नज़ारा हमें दिखा। सारी ट्रेन थी ना,
जब हम वापस कावागुचिगु स्टेशन पहुंचे तो काफी हद तक क्लाउड्स हट चुके थे एंड यू कुड एक्चुअली सी माउंट फूजी, जो हमें रियलाइज भी नहीं हुआ था पगोड़ा जाते वक्त कि बिल्कुल पूरे टाइम हमारी आंखों के सामने ही था। स्टेशन में आप काफी सारी गुडीज एंड सुविनियर खरीद सकते हैं जो माउंट फूजी इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जो आप बैक होम ले जा सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस। हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, हाउएवर वी बॉट समथिंग वेरी सिमिलर फ्रॉम द एयरपोर्ट व्हिच वाज इंस्पायर्ड बाय माउंट फूजी। जब शाम को लाइट जल जाती है तो ये जगह और भी मैजिकल लगने लगती है। इट एक्चुअली लुक्स एब्सोल्युटली लाइक अ फेरी टेल। थोड़ी दूर हमको यहाँ से 7-11 दिखा, सो वी हैड टू रेड इट। हमने 7-11 से एक गर्मा गर्म दो कॉर्न डॉग्स, एक ब्लूबेरी क्रीम सैंडविच और ये राइस क्रैकर्स लिए फॉर द जर्नी। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। कॉर्न डॉग टाइम। 7-11 में हमारा टोटल बिल आया 787 येन, जो होते हैं 430 इंडियन रुपीस। एंड यहाँ से जब हम वापस स्टेशन पहुंचे, वी हैड द बेस्ट फेयरवेल गिफ्ट वेटिंग फॉर अस। फाइनली हमें माउंट फूजी दिख गया, सारे जो क्लाउड्स नीचे आ गए, क्लाउड्स बारिश हो रही होगी तो अब सारे नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल व्यू। And just like that, it was time to say bye to Kawaguchigu, to this amazing day with amazing views. Hamari bus aa chuki thi and we were ready for our ride back home with our 7-Eleven snacks. फाइनली हम टोक्यो स्टेशन पहुंचे और वहां से हमने मेट्रो टिकट लिया अपने स्टेशन का, जो था 170 येन फॉर पर पर्सन। होटल पहुंच के हम फ्रेशन अप हुए और हमने ये सब खरीदा फ्रॉम फैमिली मार्ट एंड लॉसन। इसमें थी एक साके की बॉटल, फ्राइड चिकन बेंटो बॉक्स, श्रिम्प क्रैकर्स, चीज एंड डेजर्ट। ये सब हमें पड़ा 2108 येन का, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1160 इंडियन रुपीज। हमारी लास्ट डे की शुरुआत हमने करी इस ब्रेकफास्ट से, जो हमने लिया था कल रात फैमिली मार्ट में से। ये थी ओनिगिरी, एक ट्यूना फ्लेवर्ड एंड दूसरी प्लम, एंड वी हैड अ डिलीशियस स्ट्रॉबेरी योगर्ट। इसके बाद हम गए बाहर टू ट्राई समथिंग लोकल। ये कस्टर्ड फ्लेवर है और यहाँ काफ़ी फेमस है और एकदम फ्रेश बना हुआ है गर्म गर्म, और इनके पास स्वीट पोटैटो और रेड बीन फ्लेवर भी है। यस, हम ये ट्राई कर रहे हैं अभी कस्टर्ड, बिकॉज कस्टर्ड हमारा फेवरेट है और ये हमारी जहाँ पे हम रहते हैं उसके काफ़ी पास है। सो लेट्स ट्राई इट नाउ। फ्रेश है कस्टर्ड, उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है किसी भी चीज़ में, ड्राई फ्रूट हो या फिर ये, वेरी नाइस। और ये 300 येन का है, मतलब अराउंड 150 रुपीज़। तो अब हम निकल पड़े हैं, हम लोगों ने एक बस ली बहुत ही बढ़िया जो सिर्फ 100 येन में हमको लेकर आ गई। कहाँ पे? रोपोंगी हिल्स में। तो ये एक नेबरहुड है टोक्यो का जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स सी। रोपोंगी के दो साइड्स है। ऑन वन हैंड रोपोंगी इज वन ऑफ टोक्योज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड अप मार्केट एरियाज, जहाँ पे आपको दिखेंगे वर्ल्ड क्लास आर्ट म्यूजियम्स, मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स एंड लॉट्स ऑफ लग्जरी शॉपिंग डेस्टिनेशन। और दूसरी तरफ ये टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट लाउडेस्ट पार्टी नेबरहुड्स है, जहाँ पे खूब सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड क्लब्स है जो रात भर खुले रहते हैं।
हम आए थे एक्सप्लोर करने रूपोंगी हिल्स, जो एक मैसिव कॉम्प्लेक्स है सेंटर्ड ऑन द स्काई स्क्रेपर मोरी टार। इसके बॉटम फ्लोर्स में यू हैव रिटेल एंड रेस्टोरेंट्स और हायर फ्लोर में आपको मिलेगा मोरी आर्ट म्यूजियम एंड टोक्यो सिटी व्यू। यहाँ पे काफी सारे आर्ट इंस्टॉलेशन भी लगते हैं एंड वी आर गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे यूनिक यूनिक आर्ट फॉर्म्स तो है, एक हार्ट था, एक ये बड़ा स्पाइडर है, लेकिन एक जो पूरी वाइब है इतना पीसफुल सा, इतना क्लासी, इतनी खाने पीने की जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शायद काफ़ी सारे एक्सपैट्स रहते हैं, तो फॉरनर्स से के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि फॉरन को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, उनका क्यूजीन यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ट्राई करें तो, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है एंड वी विश हम रात को भी यहाँ पे आ पाते एक बार। ये स्कल्पचर आपको 66 प्लाजा रूपोंगी हिल्स में मिलेगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मोरी टावर। ऐसे 6 और स्कल्पचर्स अराउंड द वर्ल्ड है, द ओरिजिनल स्टील वन बीइंग इन लंदन एंड 5 ब्रॉन्ज कास्ट इन कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, यूएसए एंड कतार। इस स्कल्पचर का नाम है मामन, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है मदर। ऑथर ने इसको अपनी माँ को डेडिकेट किया था और अगर आप इसकी बेली को क्लोजली देखें तो यहाँ पे आपको मार्बल एग्स दिखेंगे। बहुत ही हाई एंड मॉल है, एकदम पीसफुल सा, इतनी लग्जरी अच्छी शॉप्स और क्या बनाया है, बहुत अमेजिंग है। कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, बट नो, यहाँ पे अंदर से ही दूसरी तरफ ग्रैंड हायत भी है। इसी मॉल में मोरी आर्ट गैलरी और टोक्यो व्यू ऑब्जर्वेटरी डेक भी है। दोनों के एंट्री चार्जेस हैं एंड आप ऑनलाइन एक बार चेक करके जाइएगा, बिकॉज समटाइम्स इट्स क्लोज। इस म्यूजियम की शॉप भी यहाँ पे है, जहाँ से आप कुछ सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। सेम 100 येन बस लेकर हम गए वापस और इस टाइम हम रुके कहीं पे खाने के लिए। सिंस आज हमारा लास्ट डे था टोक्यो एक्सप्लोर करने का, वी रियली वांटेड टू एंड इट विद सुशी। इस रेस्टोरेंट का काफी डाइवर्स मेन्यू था एंड ये अल्कोहल भी सर्व करते हैं, हाउएवर विद अल्कोहल दे आर कवर चार्जेस व्हिच इज नॉर्मल इन जापान। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिलेंगे एंड इफ यू लव सुशी देन आपके पास काफी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, फ्रॉम प्लेटर्स टू इंडिविजुअल सुशीज टू कॉम्बोज। हमने मंगाया फ्रेश ब्लू फिन ट्यूना सुशी कॉम्बो हाफ सर्विंग एंड 1 ईल सुशी। तो हमारा सुशी फाइनली प्लेटर हो चुका है। यस, एतामे सुशी था इसका नाम और ये हमारे जो होटल था उससे हमें 10% डिस्काउंट भी मिला एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही टेस्टी था, है ना नहीं? हाँ, और जो सर्व कर रहे थे बिल के टाइम उन्होंने हमारे सारे सिक्के भी ले लिए। हाँ, उन्होंने खुद ही हमारा बना दिया सिक्कों से, उन्होंने कहा बड़े नोट कराने की जरूरत नहीं है, मैं सारे सिक्के ले लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और डिजर्ट भी बहुत अच्छा था ना। हाँ, बहुत अच्छा था। यहाँ पे रोड मोची राबी मोची, ओ यस यम्मी, एकदम एक जेली टाइप और उसके ऊपर बेसन सा, बहुत ही यूनिक था।
तो फाइनली हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। वापस चल के हम अपने होटल पहुंचे जहां से हमने चेकआउट किया एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स नारिता। मेट्रो स्टेशन से ही हमने इसका टिकट ले लिया एंड ये दूसरी सिटी है नारिता, तो इसका टिकट स्लाइटली एक्सपेंसिव था। इट वाज 1410 फॉर पर पर्सन, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 770 इंडियन रुपीज। पहुंच गए हैं नारिता एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और 3। दिस इज़ बिकॉज हमारी कल की बहुत सुबह की फ़्लाइट है, तो हम यहाँ ही पे नज़दीक के होटल में रुकेंगे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, जो 15 मिनट वॉकिंग है यहाँ पे। हम रहे थे नारिता टोबो होटल में जिसका किराया था 13,000 yen, जो होते हैं 7,170 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे लिए मिल्क रखा हुआ था फ्री एट द टाइम ऑफ चेक इन। हमारा चेक इन हो गया है और इन्हीं का जो कन्वीनियंस स्टोर है उससे हमने चीज़ें ली हैं। डिनर, ड्रिंक्स, स्नैक्स एंड कल के ब्रेकफास्ट के लिए सारा सामान हमें पड़ा 1968 yen का, जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1080 इंडियन रुपीस। एंड विद वन लास्ट कन्वीनियंस स्टोर मील आर डे 12 इन जापान केम टू एन एंड। नेक्स्ट डे सुबह उठ के हमने अपना ब्रेकफास्ट खाया, अपने होटल से एयरपोर्ट तक की बस का टाइम चेक किया एंड व्हेन वी अराइव्ड एट द रिसेप्शन इट वाज एग्जैक्टली ऑन टाइम एंड काफी भीड़ थी। एयरपोर्ट पे काफी सारी शॉप्स है जहां पे आप जापानीज प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एंड हमने काफी सारे स्वीट्स खरीदे फॉर बैक होम। अगेन हमारी वियटजेट की फ्लाइट थी विच हैड अ ट्रांसफर एट हनोई एंड उसके बाद डेस्टिनेशन दिल्ली। जापान में जब हम अपना बोर्डिंग करने के लिए गए, हम अपना पास लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके बैग्स हैवियर साइड पे है तो आपको इसमें से कुछ निकालना होगा। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि क्या है, मतलब निकाले हम टोट बैग में अपने रखने की कोशिश करते, पर उन्होंने कहा कि ओवरऑल वेट ही 7 kg होना चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते कि हमने कपड़े वहीं पर फेंक दिया क्या करें। तो फिर हम लोगों ने बोला कि देखो हमारे पास तो यही, और यूजुअली जो ये बड़े बैग्स होते हैं यही ओवरहेड कैबिन में जाते हैं, तो अगर ये 7 kg या 8 kg तक है देन इट्स ओके। तो देन अल्टीमेटली उसने कहा कि ठीक है आप ले जाओ, अगर आगे जाके जब गेट्स में आप जाओगे तो अगर आपको रोकेंगे और पैसे मांगेंगे तो आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा ओके, तो थैंकफुली वहाँ पर तो हमें जापान में नहीं मांगा। अभी हम लोग हनोई में हैं तो होपफुली यहाँ पर भी ना मांगे। हमारी 7:40 की फ़्लाइट है, सो वी आर वेटिंग फॉर 3 hours नाउ। एयरपोर्ट से हमने बर्गर किंग से खाना खाया एंड वी बॉट अ पैशन फ्रूट जूस जिसका टोटल बिल था $18। हमें मिले हैं, इन्होंने हमें इतना सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाया। आई एम लता जयपुर फ्रॉम जयपुर। हेलो, आई एम सैक फ्रॉम जयपुर। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है, फॉरनर्स को भी खिला रहे हैं और फॉरनर्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चाहते हैं आपके व्यूअर्स भी टेस्ट करें। खाकरा और लहसुन की चटनी, वाओ सब होममेड, बहुत अच्छा। चिवड़ा, हां राजस्थानी चिवड़ा, अच्छा इसमें वाओ। थैंक यू सो मच। आप लोग स्नैक मिल गया यहाँ पे, और ये दो में पैकेट भी दे दिए हैं, लोग इतने स्वीट हैं, और हमारा सिस्टर वर्सेस ग्लोब चैनल भी सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अमेजिंग। हाय नेहा एंड मेघा, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहती हूँ कि जग में जहाँ जहाँ भी जाओ करते रहो उजियाला, सफलता आप दोनों को चूमती रहे, हाथ में लिए जय माला। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही ज्यादा। After 13 days of travel, हम finally घर पहुंचे and we were united with our family. And after 3 months, हमने finally अपनी Japan series खत्म करी. Thank you so much for watching and subscribe to our channel for more.